हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका कार्य पत्रक 20 विषय गणित कक्षा 9 हमारे लिए 23 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। हमें पढ़ना है दो चरों वाले रेखिक समीकरण के हल कैसे निकालते हैं। देखो जो रेखिक समीकरण है, एक तो होती है एक चर वाले रेखिक समीकरण और एक होते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण। पहले एक चर वाले रेखिक समीकरण में क्या होता है, उनका मानक रूप होता है इस तरीके से ax + b शून्य के बराबर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका x है, सिर्फ एक ही चर है यहाँ पे, x के अलावा और कोई चर नहीं है, है ना। तो यहाँ पे इसलिए क्या है, एक चर वाले रेखिक समीकरण है। और यहाँ पे अगर हम इनकी हल निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे b क्या है, प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे ax बचता है सिर्फ, ax के साथ गुना में है, नीचे आके विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x का मान आ गया ना, एक वैल्यू आ गई x की, इसका मतलब इसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे आपको दिया हुआ है 3x + 5 शून्य के बराबर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, देखो 3x है, +5 है इधर, उधर जाके -5 हो जाएगा। यहाँ पे 3x के साथ गुना में है, नीचे आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो -5/3 एक हल आ गया ना, तो एक अलग हल आ गया जिसको हम बोलेंगे अद्वितीय हल। तो एक चर वाले रेखिक समीकरण के अंदर आपके अद्वितीय हल आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में पूछा जाए तो जिसका मानक रूप होता है ax + by + c शून्य के बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को आपको इधर लेकर जाना पड़ेगा माइनस, इधर ये दोनों प्लस में थे, इधर आके माइनस में हो गए, ए गुना में नीचे आके डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पर देखो जो जो जैसे जैसे मैं वाई की वैल्यू रखूंगी ना, वाई की वैल्यू एक रखूंगी तो एक्स कुछ और आएगा, वाई की वैल्यू दो रखूंगी तो एक्स कुछ और आएगा। ऐसे ही आपका वाई के साथ साथ आपकी एक्स भी बहुत सारी वैल्यू आती रहेंगी, इसीलिए ये अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण के। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे x + 2y = 6 है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो देखो ये इधर चला जाएगा -2y, है ना, 6 के पास चला जाएगा। तो जो जो मैं y की वैल्यू रखती जाऊँगी, x की वैल्यू मेरी आती जाएगी, इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, जहाँ पे इसको देख, तो यहाँ नीचे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या थी हमारी x = -2y + 6, तो यहाँ पे x तथा y के उन मानों का युग्म जो दिए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, कौन से y की जगह पर अलग अलग संख्याएं रखने पर हमें x के विभिन्न मान प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने y को अब अगर 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया और x का मान क्या आ गया, 6 आ गया, है ना। तो y 0 रखा तो x 6 आ गया। उसके बाद y को मैं अगर 1 रखती हूँ तो y मेरे पास 4 आ, x मेरे पास 4 आ जाता है। y को 2 रखती हूँ तो x मेरे पास 2 आ जाता है। तो यहाँ देखो x की हर मान के साथ y की वैल्यू अलग अलग आती रही, तो y की जगह एक एक करके अनगिनत संख्याएं रख सकते हैं हम, तथा ऐसे करने पर x के अनगिनत मान हमें मिलेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास जो हल हमें मिले हैं इनको हम क्रमिक युग्म के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। जैसे एक्स वाई है 6 0, फिर अगला पेयर लिखेंगे 4 1, फिर अगला पेयर लिखेंगे 2 2, इस तरीके से लिखते रहेंगे इनके हलों को। क्लियर, चलिए अब आगे आपका होता है आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण कैसे करेंगे, दो चरों वाले रेखिक समीकरणों का आलेख एक सीधी रेखा होगी। अगर हमें कभी भी आपका समीकरण के अंदर जो आपके रेखिक समीकरण है उनका जो ग्राफ बनाना है वो हमेशा किससे बनेगा, सीधी रेखाओं से बनेगा। ठीक है, रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखिक समीकरण को संतुष्ट करता है। रेखा पर जो बिंदु होते हैं वो क्या करेंगे, आपका जो समीकरण है उसको सेटिस्फाई करेंगे, उसको संतुष्ट करेंगे। तीसरा, समीकरण के प्रत्येक बिंदु उसका हल होंगे। जो आपका समीकरण है उस पर जो ये आपके प्रत्येक बिंदु है ये उसके हल होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, एक एक करके हल करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि रेखिक समीकरण 2x - y = 6 के हल x2 और y - 2 हैं या नहीं। कैसे करेंगे, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें x और y का मान रखना पड़ेगा। मान रखने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आती है राइट हैंड साइड के तो इसका मतलब ये उसके हल हैं, अगर नहीं आता है तो उसके हल नहीं है। तो देख लेते हैं, चलो ये आपका पहला क्वेश्चन, क्या आपको समीकरण दिया हुआ है 2x - y = 6 के बराबर है, तो x वहाँ पे 2 है और y माइनस 2 कह रहा है कि इसके हल हैं कि नहीं। तो x और y की वैल्यू इसमें रख के देखो ये इसको संतुष्ट करता है कि नहीं। x की जगह मैंने रखा 2, y की जगह रखा मैंने -2। ठीक है, तो 2 × 4 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ +2 बन गया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 4 + 2 = 6, और राइट हैंड साइड पे भी तो 6 ही था। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया है राइट हैंड साइड की, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, हाँ रेखिक समीकरण 2x - y = 6 के हल x = 2y - 2 है। ठीक है, ये आपको लिखना है, ये इसके नीचे ही लिख लेना बेशक। क्लियर, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा प्रश्न है,
समीकरण y इज इक्वल टू 5x प्लस 2 के कितने हल हो सकते हैं। देखो कैसी कैसी समीकरण है ये, दो चर वाली, x और y दो चर है, इसमें दो चर वाली समीकरण के कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, यही होते हैं ना, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये हो गया मेरा दूसरा उत्तर, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या हो गया, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका आंसर लिखा है मैंने, ठीक है। आगे चलें, प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है, अगर समीकरण आपको ये दिया हुआ है 5x plus py is equal to 4 और आपको x 2 और y 3 इसके हल दिए हुए हैं, तो आपको p का मान ज्ञात करना है। अभी मैंने बताया ये इसके हल हैं, तो जब मैं x की जगह 2 रखूँगी, y की जगह 3 रखूँगी, तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे x और y का मान रख के मैं p का मान निकाल दूँगी। चलो देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्या दिया हुआ है, 5x plus py 4 के बराबर है, ठीक है। तो x वो कह रहा है 2 और y कह रहा है 3, ये इसको संतुष्ट करते हैं, इसके हल हैं। तो x की जगह रखूँगी 2 और y की जगह रखूँगी 3, यहाँ से है ना। तो 5 दुनी 10 होता है, यहाँ से क्या बन गया 3p इज इक्वल टू 4 के बराबर है। मैंने बोला आपको, हमेशा बताती हूँ मैं, चर को एक तरफ रखो और जो आपके गुणांक हैं उनको एक तरफ रखो। तो यहाँ से 3p किसके बराबर हो जाएगा, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 10 कितना होता है, माइनस 6, और 3 इधर गुना में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3 से 6 कट गया, क्या आ गया, माइनस 2। तो p का मान मेरा क्या आया, माइनस 2। ये हो गया मेरा आंसर नंबर 3, क्लियर। प्रश्न नंबर 3, अब हम चलते हैं आज के हमारे आखिरी प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि समीकरण x प्लस वाई 4 के बराबर है और y 2x है, इसका आलेख खींचिए, आपको इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। कुछ नहीं निकाला इसने, नहीं बोला सॉल्यूशन निकालो, कुछ निकालो, बस इसका ग्राफ बनाना है, बना लेते हैं, सॉल्यूशन मिल गया तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 4 करते हैं। ये है आपका प्रश्न नंबर 4। क्या दिया हुआ है आपको, एक समीकरण दिया था x प्लस वाई 6 के बराबर और दूसरा दिया था y इज इक्वल टू 2x के बराबर। पहले में क्या करना पड़ेगा, पहले इसके x और y के कुछ मान निकालेंगे, y फिर इसके निकालेंगे कुछ मान। तो यहाँ पे x प्लस वाई 6, चलो इसके कुछ मान निकालते हैं। जब मैं यहाँ पे y को 0 रखती हूँ, जब मैंने y को 0 रखा तो ये 0 हो गया 0, x क्या हुआ 6 के बराबर आया। तो y 0 है तो x क्या आएगा, 6 आएगा। फिर मैंने y को 6 रखा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई की जगह 6 रखा तो x मेरा क्या आया, 0 आया। तो ये दो मान हो गए मेरे x y के, एक तो क्या हो गया ये हल हो गया 6 0, दूसरा हल क्या हो गया 0 6, ठीक है। इसको हम ग्राफ पे बनाएंगे अभी, ठीक है। अगला देखो, y इज इक्वल टू 2x है। अब यहाँ पे x को अगर मैं 1 रखती हूँ तो x क्या हो जाएगा, 2 1 2, y क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर x को मैं 2 रखती हूँ तो 2 2 y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से कौन से हल बने, एक तो 1 2 और दूसरा 2 4, इनको और अब इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे दिखाएंगे। चलो दिखाते हैं प्रश्न नंबर 4 को। इसका देखो हल निकाला हुआ है, वैसे मैंने इसका जो सॉल्यूशन है इक्वेशन का वो 2 4 आता है, ये है आपकी इक्वेशन। क्या करोगे आप, पहले ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, पॉइंट खींचो 1 1 2 3 4 5, कब कहीं तक भी जहाँ तक आपके पॉइंट आए हैं। पहला पॉइंट क्या था, 6 0 था, दूसरा पॉइंट क्या था, 0 6 था, यही थे। तो इन दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया, ये इस समीकरण के हल थे, x प्लस वाई 6 के बराबर इस समीकरण के हल थे। दूसरा समीकरण क्या था, y इज इक्वल टू 2x, इसके हल क्या थे, एक तो 1 2 था, दूसरा हल क्या था, 2 4 था। इन दोनों को भी मिला दिया। मिलाने के बाद ये कहाँ मिलते हैं, देखो इधर से 2 इधर से 4 इधर मिलते हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं, 2 4, ये इसका क्या हो गया, हल हो गया दोनों समीकरण का, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका प्रश्न नंबर 4। हल उसने पूछा नहीं है, सिर्फ उसने बोला ग्राफ पे उसका लेख करना है, आपको दिखाना है, बट फिर भी हमारा तो सॉल्यूशन भी निकला है, आंसर भी निकला है, तो आप इसका कर भी सकते हो कि इसका हल क्या है, आप लिख लेना 2 4, बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और ये ग्राफ आपको बनाना है, नीचे बस थोड़े से 1-2 माइनस के बना के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपके सारे प्लस में ही आए हैं, ठीक है। आ गया ग्राफ भी अच्छे से समझ में और क्वेश्चन भी। तो ये हो जाता है आपका छोटा क्वेश्चन। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गई है आपकी जो लेक्चर है उसके लिए सॉरी। आपकी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं कल की, वो आपको पहले से ही आपको जैसे पहले की तरह हमेशा शाम को मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।